करण के कपड़े भी वापस आ गए। बहुत सी लड़कियों को नाराजगी होगी कि ये शर्ट क्यों रह गई। हाँ, मैं लड़कियों, मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज मैसेज फॉलो कर लीजिए, मैं सारी फोटोज भेजूंगा। अच्छा ये बताओ, आपने ऑडिशंस दिए कभी करण? बिल्कुल। कितने ऑडिशंस दिए होंगे? गिनती तो नहीं है, लेकिन जिस साल मैंने स्टार्ट किया था, 2004 नवंबर में मैंने अपना पहला शो किया था, उसके एक साल पहले तक मैं वीजे था जी म्यूजिक के साथ। उस एक साल में मैंने आई थिंक रोज एक ऑडिशन दिए होंगे। पर ऑडिशन के टाइम पे कभी कोई ऐसा फनी किस्सा हुआ, याद है ऑडिशंस में क्या फीलिंग आती थी? ऑडिशन में मेरी जैसे फीलिंग होती थी हमेशा कि इतने सारे लोग, 500 लोग, 400 लोग, मुझे कौन देखेगा इसमें? अजीब सा नंबर मिलता था, 83, 86। नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा फनी क्या लगता था, एक ऑडिशन आपने दे दिया, आप शॉर्टलिस्ट हुए, आप और शॉर्टलिस्ट हुए, अब आप और मैंने final ऐसे shortlist. एक फाइनल शॉर्टलिस्ट दो लोगों के बीच में और फिर वो नहीं। ऐसे मैंने न जाने कितने शोज के लिए 8-8 लुक टेस्ट दिए एक एक शो के। पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितना अच्छा लगता होगा ना कि किसी ऑडिशन को जब क्लियर करते हैं हम, कितना अच्छा लगता है ना 500 लोगों में से यार चुना गया, और कितना अच्छा लगता होगा ना जब 500 लोगों में से मालूम पड़े एक ही इंसान फेल हुआ है इंजीनियरिंग कॉलेज में। 670 लोग, तो ये मतलब 670 लोग थे, उसमें से दो लोग फेल हुए, एक मैं, और दूसरा वो जो वैसे ही 4 साल के कोर्स में 7 साल लगा चुका था। तो मैं फेल हो गया और मैं वहां बैठा हूं, और मेरी रिपोर्ट कार्ड जब मेरे हाथ में आई तो टीचर को शायद मैं बिल्कुल पसंद नहीं था। तो टीचर रिपोर्ट कार्ड, ये टीचर है, ये करण खड़े, ये टीचर है, और रिपोर्ट कार्ड देख के बोलती, यू फेल्ड, गो फ्लर्ट विद गर्ल्स नाउ। मैंने बोला ये कैसी टीचर है यार। बट आपने फ्लर्ट नहीं किया लड़कियों के साथ में, आपने जाके IIT कर ली? नहीं नहीं, मैं IIT ग्रेजुएट बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग किया था, जो लास्ट ईयर में मैं मुझे KT लग गई थी। KT इज अलाउड टू कीप टर्म्स, जब आपको एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो 6 महीने मिलते हैं वो क्लियर करने के लिए। क्योंकि जब मैं फेल हुआ था ना, तब मैं जेन्युइनली बहुत अपसेट था, मैं घर गया रोते हुए, एंड मॉम डैड ने मुझे देखा, एंड डैड ने सबसे पहली बात कही कि 6 महीने बाद दोबारा तो दे देगा, इतना रो क्यों रहा है? 6 महीने मिले हैं, जो कुछ करना है कर ले, कोई और कोर्स कर ले, इसमें रोने वाली क्या बात है? एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इवेंट मैनेजमेंट। तो जब मैं इवेंट मैनेजमेंट कॉलेज में गया, दिस इज अमेजिंग, रागिनी,